ओके okay, सो so, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बट इफ यू हैवन हैवसक्राइड ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप डू गि टू वीडियो ओके जी ये जो प्रोडक्ट है शैम्पू कंडिशनर्स की सीरीज में से है है कंप्लीट रेंज कंडीशनर्स की और ये वाली जो प्रोडक्ट है दिस वन इज इन कंडीशनर ओके सो सर इन कंडिशनर्स क्या होते हैं कि आपने इनको लगा के वॉश नहीं करना होता है इनको लगाने के बाद आपने अपने बालों में सिरम की तरह लगा रहने देना होता है अच्छा इसके ऊपर मैं हेल्प सील स्प्लेट एंड रिड्यूस ब्रेकेज एंड दिस वॉन इज फॉर लॉन्ग डैमेज है और बॉटल तो आप देख

स्पलेटेंट से उनके पेरेंट्स को रिड्यूस करती है और जो फर्दर ब्रशिंग से आपके बाल टूटते हैं उसको रिड्यूस करती है मतलब कि आपको बालों की कटिंग नहीं करवानी पड़ती और इस बॉटल में आपको मिलेगी टू हंड्रेड एम एल क्वान्टिटीटी अच्छा इसके डायरेक्शन टू यूज ये है कि आप इसको ड्राई और वेट दोनों बालों में यूज कर सकते हो वेट बालों में तो ऑब्वियसली आफ्टर शॉवर एज अ कंडीशनर एंड ड्राई बालों में मतलब अगर आप हीट स्टाइलिंग वगैरह कर रहे हो तो आप इसको एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हो अच्छा इसके ऊपर कोई लिड वगैरह नहीं है इस तरह से आप इसको ओपन करते हो थोड़ा सा ऊपर प्रेस करके और इसको आप जब नीचे प्रेस करते हो तो ये लॉक हो जाती है अच्छा मैं आपको उसका टेक्स्चर और कलर वगैरह दिखा देती हूँ नॉर्मल कंडीशनर जैसा टेक्स्टर है एंड स्मेल रियली गुड और आपने इतनी सी क्वांटिटी जैसे आप नॉर्मल कंडीशनर लेते हो आपने बालों की मिड लेंथ से एंड लेंथ पे अप्लाई करनी है आपने अपने बालों की रूट्स पे अप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी इसको एंड स्पेशली आपने इसको फोकस करना है अपने जो है बालों की एंड लेंथ पे जहाँ आपके स्पेट आता है और जहाँ आपकी ड्राइनेस और फ्रीजीनेस ज्यादा हो जाती है यूजली एंड्स पे बाल आपके बहुत ज्यादा फ्रीजी से हो जाते हैं तो फोकस on your ends more. ओके okay, जी आई के सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है सो ना माई फाइनल की बॉटल है finished, और मैं इसको बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से यूज कर चुकी हूँ मैंने इसको सिंपल जो है एयर ड्राई बालों के साथ ब्लो ड्राई के साथ भी यूज किया है मतलब हीट स्टाइलिंग से पहले भी यूज किया है एंड एज ए नॉर्मल कंडिशनर भी यूज किया है और इंटरनेट पर इसके इतने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज थे की आई वॉज हंड्रेड परसेंट श्योर के दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अमेजिंग आई रियली ट्राई टू लाइक दिस प्रोडक्ट और इसको मैंने अपने भाई के बालों पर भी ट्राई करवाया है अपनी नीस के बालों पर भी ट्राई करवाया है मतलब दिस प्रोडक्ट इज़ बीन ट्राइड ऑन थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर क्योंकि मेरे जो बाल हैं दिज आर ड्राई फ्रीजी एंड वेवी मेरे भाई के बाल दीज और सिल्की एंड थिक एंड मेरी नीस के बाल जो फाइन और सिल्की बाल नहीं होते उस तरह के बाल हैं अच्छा एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इसका जो टेक्सचर अपने बालों पर अप्लाई करते हुए है आई डोंट लाइक इट एट ऑल काफी स्टिकी सा फील होता है मतलब कंडिशनर्स जब आप अप्लाई करते हो स्पेशली स्पेशलीव इन कंडिशनर्स तो आपके बालों को बहुत एक सिल्की स्मूथ सी फीलिंग आती है वैसी फीलिंग बिल्कुल नहीं है आपको स्टिकी सी फीलिंग देता है और जो बाद में ठीक हो जाती है इट्स नॉट हैवी ऑन योर हेयर अच्छा आई फाउंड दिस प्रोडक्ट वेरी ऑर्डनरी फॉर माई हेयर मेरे बालों में कोई क्रेजी डिफरेंस नहीं था कोई क्रेजी शाइन नहीं थी कोई क्रेजी सॉफ्टनेस नहीं थी हाँ अंटिल नेक्स्ट डे मेरे बाल जो थे वो कॉम करने में बहुत ईजी हो रहे थे मतलब उलझ नहीं रहे थे ब्रेक नहीं हो रहे थे दैट दिस प्रोडक्ट क्लेम अच्छा इसको मैंने ब्लो ड्राई से पहले भी यूज किया था अगेन माई हेयर वर वेरी नॉर्मल ब्लो ड्राई में कोई क्रेजी डिफरेंस नहीं था कोई क्रेजी इंप्रूवमेंट नहीं थी अच्छा सेम यही ओपिनियन मेरे भाई का भी था ही डेंट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल अच्छा थर्ड ओपिनियन मेरी नीस का है और उसके ऑलरेडी सिल्की और बहुत फाइन बाल है हमारी तरह उसका मोटा बाल नहीं है एंड शी सी शी रेली लाइक द प्रोडक्ट हर हेयर वॉज सॉफ्ट मैनेजेबल और काफी सिल्की स्मूथ और इसकी दो रीजन हो सकती है मे बी वन के उसका हेयर टेक्चर डिफरेंट है एंड सेकेंड शी यूज मनी हेयर प्रोडक्ट ऑन हर हेयर सो दैट्स वाई मे बी शी वॉज फीलिंग द डिफरेंस इवन मोर ओके फॉर मी पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है हाँ अगर आपने इसको एज अ डिटेंगलर के तौर पे यूज़ करना है तो दिस प्रोडक्ट वर्क्स लेकिन अगर आपको कोई कंडीशनर चाहिए अच्छा जो आपके बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ शो करे तो सो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू स्पेशली अगर आपके ड्राई फ्रिजी है हेयर हैं लेकिन अगर इफ़ यू हैव फाइन हेयर सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट एज माई नीस रियली लाइक दिस वन अच्छा क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था और इसको रिव्यू करने से पहले मैंने अगेन जाके बोर्ड्स की वेबसाइट पे रिव्यूज चेक किए हैं लोगों के एंड बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे थे कि इट यूज टू बी वेरी गुड लेकिन आई गेस इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है इट्स फॉर्मूला हैज चेंज और इट इज नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी सो दैट माइट बी द केस लेकिन पाकिस्तान में आपको काफी अफोर्डेबल मिल रहा है सो इट इज अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट गो फॉर इट लेकिन फॉर मी इट वॉज नॉट एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतना कोई खास मुझे पसंद नहीं आया सो आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स अपने क्लियर कर दिए हैं आई गेस वीडियो काफी लंबी होगी है बट आई वॉन्ट टू रिव्यू इट कंप्लीटली सारे पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी सो गाइज दट वॉज इट फॉर द रिव्यू आई होप यू लाइक इट आई होप इट वॉज हेल्पफुल इफ इट वॉज प्लीज की थम्स अपे से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखियेगा अल्लाफे